ये हम पहुंच गए जागेश्वर धाम, जहाँ हमने मंदिर में दुआ मांगी थी, अपने लिए मन्नत मांगी थी, और आज आ भी गए, आज आ भी गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं नैनीताल को। एक दिन में तीन तीन मंदिरों के दर्शन कर लिए। जहाँ जहाँ मन्नत मांगी थी वहाँ वहाँ गए हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भावना किशन UK05 में। और आज हम जा रहे हैं घूमने शादी के बाद। आज कितना दिन है, 4-5 दिन हो गए हमारी शादी को। कल पार्टी थी तो आज हम फ्री हुए थे, तो हम 4 दिन हुए, 18 को शादी थी हमारी। तो हम जा रहे हैं नैनीताल, तो वहाँ से हम जाएंगे जागेश्वर भी जाएंगे और गोलू देवता भी जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी गए थे, तो अभी शादी के बाद दोबारा जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जाएंगे हम आप लोग को दिखाएंगे। और हमारा ब्लॉग आज बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद आ रहा है, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट ज़रूर करें। और हमारी शादी का कोई कोई है क्लिप हमारे पास, ज़्यादा तो नहीं है, जितना होगा हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपको हम रास्ते में। ये हम पहुंच गए जागेश्वर धाम, जहाँ हमने मंदिर में दुआ मांगी थी, अपने लिए मन्नत मांगी थी, और आज आ भी गए, आज आ भी गए हैं। आप देखिए बुबू जी, कितने की दिल है? 151। अरे दिल खोल के दो, 151 वाली दो, भगवान ने तो दिया है तो दिल खोल के दो। आपका दिल खोल दो, हाँ खोल के दो, सबसे महंगी वाली कोई नहीं, सब भगवान ने दिया है। ये पहुंच गए हैं, बारिश हो रही है। जय हो, गुरुजी है ना, जय हो। हाँ नाक में लग गया तेरे। पिथौरागढ़ से आराम से शर्म लगी थी, आराम से आओ मैं बताऊंगा। इधर टोटल 125 मंदिर है ना, मुख्य मंदिर 5 है जहाँ पर पूजा होती है। अच्छा, इसमें हो गया है महामृत्युंजय का मंदिर, बनकर खत्म आ रहेगा जी। एक भी माता जी का मंदिर हो गया। हाँ। अब जो है हम जागेश्वर के मंदिर में चले गए। अच्छा, जो मुख्य मंदिर है वहाँ जी, हनुमान जी का मंदिर है, परिक्रमा करते हुए फिर वापस आएंगे जी। मंदिर जो है 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, मंदिर की लिंग स्थापना अनादिकाल की है। अच्छा, 8वीं शताब्दी से पहले शंकर भगवान यहाँ पर इतने जागृत अवस्था में थे कि यहाँ का नाम जागेश्वर पड़ा हुआ। अच्छा, सप्तऋषि लोग यहाँ की पूजा पाठ किया करते थे। जो हनुमान जी है इनका मुँह जो है लंका की ओर है। अच्छा, दशमुखी हनुमान जी है, मनोज जब हमारे कुल्ली बेगम जी तेन गुरु मुद्दे बताओ रिश्ता वाता आत्मा जन्मान रुथ मुख्यम श्री राम देवतम सदनम पर पकते आओ। आओ पंडित जी। अच्छा, ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसके आठ नंबर का ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, पहले
ये वाला मंदिर ये नंदा देवी नव दुर्गा माता का मंदिर है। अच्छा अंदर देख लो, उसके बाद ये पेड़ दिख रहा है जी। हां जी वो अंदर माता देवी का जी, नव दुर्गा माता जी का मंदिर। आओ मयो गवायचो नमः शंकराचो नमस्कारचो शिवायचो शिवराजचो शक्तियो जातिं प्रपद्यं दरगाह पर अच्छे है ना, इसमें साथ में गणेश जी भी बने हुए। अच्छा इसमें जो है गणेश जी की है। अच्छा आंखें हो गई, दांत हो गए, नीचे से एक है, ऊपर जाके दो है, अर्धनारीश्वर के रूप में है। अच्छा शंकर भगवान और माता पार्वती वैसे ही एक पेड़ है, ये भी नीचे से एक है, ऊपर जाके दो है। अच्छा शिव पार्वती का भी वृक्ष है। अच्छा गुरु जी आप कितने सालों से हो यहाँ? मैं लगभग 30-32 साल से, वैसे तो जन्मभूमि यहीं की है। अच्छा मंदिर में जब आना अगर हुआ तो जब मेरी उम्र 12 साल थी तब से। अच्छा उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी तब एक मंदिर बनाते थे। अच्छा तब जाके 125 मंदिर का समय टोटल 125 मंदिर है, मुख्य मंदिर 5 है। हाँ। सप्त ऋषि लोग यहाँ की पूजा पाठ किया करते थे उसमें। हवन हो जाए। अच्छा जय श्री राम। और चप्पल यही है, भेंट और देनी पड़ेगी तेरे लिए। मिल एक बार जाते समय कुछ और देना पड़ता है, पूछ ले। जय हो जय हो। तो गाइस हम आए हैं जागेश्वर धाम और दर्शन करके हम आ गए। यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे तो उनको किसान दे रहे हैं। अब यहाँ केले वेले तो मिले नहीं, टमाटर दे रहे हैं, वो भी खा ही रहे हैं। जय हो बुआ छने छला बुआ छने छ। जय हो जय हो जय हो जय हो मालिक, जय हो जय हो। पर्ची लिखती उस मनोकामना पूरी होती है, उसको खोलना पड़ता है। भगवान मालिक
गुरु जी यहाँ मैंने पर्ची लिखी थी, वो मेरी मनोकामना पूरी हो गई, पर्ची निकालनी पड़ेगी ना? पर्ची ऐसा है ना, पर्ची आपको नहीं थोड़ी पाएगी, नहीं मिलेगी ना? वैसे आपकी जो मन्नत है, जैसे दर्शन के लिए जो भी है वो आप करें जी। अब इतने पेपर हो, कहाँ ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा, क्या पता जी। हाँ अंदर की अभी निकाल नहीं देते हैं, अब आपका तो मनोकामना हो ही नहीं। हाँ आप जैसे दर्शन के लिए भगवान से आपने बोला उस हिसाब से बनना है जी। जी जी इस कोने में डाल के नहीं पड़ती जी। ओम ह्रीम भट्ट का अपर धारणा है कुकुर भट्ट काम रोगम शोकम दुखकारी तम निवार। ओम ह्रीम भट्ट का अपर धारणा है कुकुर भट्ट काम रोगम शोकम दुखकारी तम निवार। सेठ जी दर्शन करके भी वापस जा रहे हैं। यहाँ हमारी मनोकामना पूरी हो गई थी, इसलिए हमने जो मांगी थी यहाँ मनोकामना पूरी हो गई थी, तो तभी आए थे यहाँ दर्शन करने। तो हम जा रहे हैं नैनीताल को। हमने मंदिर दर्शन कर दिए हैं, अब जाते हैं नैनीताल को। जय गोलू देवता। मौसम कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं कैंची धाम, और अभी टाइम हो गया है 6:30 हुए हम पहुंच गए टाइम से, तो एक बार हम दर्शन करते हैं अंदर जाके। सन यहाँ पे थोड़ा वो ले लेते हैं मंदिर में ले जाने के लिए सामान, यहाँ पे सीख ले रहे हैं प्रसाद जो अंदर ले जाना है यहाँ से नीचे। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर फोटो है निर्मल बाबा की। जय हो बाबा। ये हम चले गए हैं, ये दर्शन कर लिए बाबा के, अब हम जा रहे हैं
जहाँ जहाँ मन्नत मांगी थी वहाँ वहाँ गए, तो आप भी आए मन्नत मांगे, आपकी मन्नत भी होगी तो आप आइए। गए नैनीताल और अब नैनीताल का ब्लॉग आएगा अगले दिन। अभी हम ढूंढ रहे हैं होटल नैनीताल पैदल चल के। एक बार पता कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले होटल पे। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। आप